हेलो एवरीवन, सविता नागपाल हेयर, अमूल फेसबुक लाइव। आई एम सविता नागपाल। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो है मैक्सिकन रैप। अभी जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं तब तक हम थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी डिश स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी चांस ऑन योर पेज। अमूल ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे शेफ्स आके अपनी डिशेस सिखाते हैं और लोग सीखते हैं, तो इसलिए अमूल का बहुत बहुत थैंक यू कि बहुत कुछ हमें अमूल के फेसबुक पेज से सीखने को मिला है। ये अमूल के प्रोडक्ट्स हैं, अमूल घी, क्रीम, बटर, चीज़, छाछ, दूध, दही, अमूल के ये चीज़ स्लाइस, ये सभी प्रोडक्ट्स हम लोगों के घर में डेली में यूज़ होते हैं। अमूल के प्रोडक्ट्स से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हर कोई अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। कोई भी डिश बनानी हो तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये सारे डिशेस घर में ही होती हैं। सब इंग्रेडिएंट्स हमारे अमूल के होते ही हैं। आज जो मैं डिश बना रही हूँ वो है मैक्सिकन रैप। तो हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए राजमा। इन राजमा को मैंने रात को भिगो के सुबह मैंने इसको बॉयल करके रखा हुआ है। प्याज, टमाटर, टमाटो केचप, लहसुन, काली मिर्च, नमक। अमूल का आप चाहे चीज़ स्लाइस यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप चीज़ क्यूब यूज़ कर सकते हैं। अमूल बटर, और इसमें मैंने पराठा और रोटी बनाकर रखा हुआ है, जो जिसमें कि आप चाहे पराठे में यूज़ करेंगे चाहे आप इसमें रोटी में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो हम उसे चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए होंगे। एक मिनट, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। अभी हमने ये नॉनस्टिक रख दिया है, अभी हम ये इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। जैसे ये पैन गरम हो जाएगा हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। जैसे ये ऑलिव ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें लहसुन डालेंगे। यहाँ पर मैं लगभग 1 टीस्पून लहसुन ले रही हूँ। ये 4 लहसुन की बड्स हैं। जैसे ही अब ये थोड़ा सा लहसुन ब्राउन होगा हम इसमें साथ में ही प्याज डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हुए हैं। इसको हम जरा सा भूनेंगे। थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मेरी डिश का नाम है होल व्हीट मैक्सिकन रैप। तो ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि मैं इसमें होल व्हीट फ्लोर यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसको अपने स्टाइल में बना रही हूँ। आजकल बच्चे बिल्कुल भी मैदे वाली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसको होल व्हीट फ्लोर से बना रही हूँ। इस रेसिपी में हम अमूल का चीज़ यूज़ करेंगे, अमूल का बटर यूज़ करेंगे और अमूल के घी से मैंने पराठे बना के रखे हुए हैं। और मैं रोटी में भी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग पराठा नहीं खाते हैं तो वो लोग रोटी में भी इसको बना सकते हैं। मैं इस रेसिपी को नॉनस्टिक पे बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको माइक्रोवेव और ओवन में भी इसको कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगी। जैसे ही अब ये हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। ये 2 टमाटर हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है टमाटर को, बस थोड़ा सा ही हम इसको सौते करेंगे। साथ साथ हम इसमें नमक और काली मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैं काली मिर्च डाल रही हूँ और मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ।
क्योंकि मैंने नमक को राजमा बॉयल करते हुए भी डाला है, इसलिए हम नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। अभी हम इसको दोबारा से करेंगे तो ये, अभी हम इसको चीज़ डाल के दोबारा बनने रखेंगे तो ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लगभग 4 चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ। टमाटो केचप से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये मिक्स हो गया है तो अब मैं इसमें राजमा डाल दूंगी, तो राजमा के साथ ये सॉस, सारे मसाले, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल राजमा लिए हैं। राजमा को मैंने पहले ही भिगो के उबाल के रखा हुआ है। अब हम इसे 2 मिनट भूनेंगे और इसका ये जो पानी है ये सारा सूख जाए ताकि इसकी स्टफिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल बच्चों को प्रोटीन रिच चाहिए होती हैं रेसिपीज, तो राजमा में प्रोटीन होता है और कुछ बच्चों को तो चीज़ वाली रेसिपी बहुत पसंद आती हैं। मेरी कुकिंग क्लासेस में जब भी लड़कियां आती हैं उनको होता है आंटी हमें चीज़ वाली डिश सिखाइए, बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होता है और वो सब चीज़ वाली डिशेस सीखना चाहते हैं, तो मैंने इसीलिए ये रेसिपी सिलेक्ट करी है कि मैं आपको चीज़ वाली डिश और प्रोटीन वाली डिश सिखा सकूं। तो चलिए अब हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। वैसे तो मैं साथ साथ क्वेश्चन देख रही हूँ, अगर कोई भी रह जाएगा किसी क्वेश्चन का आंसर देना तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। ऑलिव ऑयल कहाँ कहाँ से लाए? ऑलिव ऑयल मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑयल आप खाना बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम और देख लेते हैं और कोई कमेंट है तो। अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आंटी के पास जाकर खा लो, ठीक है? जिसको भी खाना है आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम, यहाँ तो बन ही रहा है। थोड़ा मैं ऊपर से भी कमेंट्स देख लेती हूँ, हो सकता है कुछ कमेंट्स निकल गए हों। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे हेलो हाय आ रहे हैं, सबको हेलो हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। खाना बनाकर रेडी कर दिया है। तो चलिए देखिए, अब ये मिक्सचर तैयार हो गया है। थोड़ा सा अभी जरा सा हम इसको भून लें ताकि ये थोड़ा सा जो पानी या ये सॉस का जो है ये हमें रोल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। अभी ये 2 मिनट में सब ड्राई हो जाएगा। मैंने गैस कम कर दी थी, अब मैंने गैस तेज कर दी है। मेरा सविता नागपाल मैजिक किचन के नाम से पेज है, FB पेज मेरा सविता नागपाल मैजिक किचन के नाम से, यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी सविता नागपाल मैजिक किचन है और सब पे मेरी सेम DP है, तो इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सविता नागपाल मैजिक किचन यूट्यूब चैनल पे मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते, जो लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते वो ये मत सोचिए कि आप ये इस रेसिपी को नहीं बना सकते। आप इसकी जगह हींग और अदरक डालिए, हींग अदरक डालिए, उसके बाद आप टमाटर डालिए और सेम रेसिपी को आप फॉलो कीजिए। उसमें आप टमाटो केचप जो यूज़ करेंगे वो विदाउट ऑनियन यूज़ कीजिए तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। कोई भी रेसिपी बनाते हो, रेसिपी का नाम है होल व्हीट फ्लोर मैक्सिकन रैप। इसकी स्टफिंग हम राजमा से कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को प्रोटीन वाली और चीज़ वाली रेसिपी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज ये रेसिपी बना रही हूँ। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम इसको पराठा और रोटी में स्टफ करेंगे।
बस 2 मिनट ये ठंडा हो जाए तो मैं तब तक देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन है तो। तिज राजमा शुड बी यूज्ड। मैंने यहाँ पर चित्रा लिया है, चित्रा राजमा। आप कोई भी राजमा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाल वाला राजमा जो जम्मू कश्मीर में मिलता है वो डेली में यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी राजमा आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चित्रा राजमा यूज़ किया है। आंटी जी कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। राजमा मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। शीतल वर्मा। हाँ जी शीतल, राजमा सभी बच्चों के फेवरेट होते हैं। जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हम राजमा चावल बना लें या छोले चावल। राजमा और छोले दोनों ही बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो चलिए अब बस ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। अमूल के प्रोडक्ट्स दिखा दो। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे और साथ ही साथ हम गैस भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने रोटी और पराठा पहले ही बनाकर रखा हुआ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो लोग पराठा नहीं खाते, तो वो आप इस रोल को रोटी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए इस रेसिपी में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। बस ये सिंपल रोटी जैसे हम बनाते हैं और ये सिंपल पराठा, सिंपल आटा गूंद के मैंने उसमें बस हल्का सा नमक डाल के ये पराठा बनाया है। इस पराठे को मैंने अमूल घी से बनाया है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। पहले मैं पराठे में स्टफिंग करती हूँ। पराठे पे हम थोड़ी सी टमाटो केचप फैला लेंगे। टमाटो केचप भी बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। टमाटो केचप लगाने के बाद ये जो हमने स्टफिंग बनाई है इसको हम सेंटर में रख देंगे और हम इसको दोनों साइडों से रोल करेंगे। इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे। अगर आपके पास तो चीज़ स्लाइस है तो आप चीज़ स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो आप ये अमूल की चीज़ क्यूब को ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अमूल का चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। अमूल चीज़ स्लाइस को और अमूल बटर को ज़्यादा देर बाहर ना रहने दें। अभी गर्मी है, गर्मी में ये मेल्ट हो जाता है। मैं इसको यहाँ सेंटर से काट रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सेंटर में ही लगाना है। ये देखिए हमने ये यहाँ से यहाँ तक लगा लिया। अब थोड़ा सा हमारा ये बचा है तो मैं इसको दोबारा से हाफ में कट करके ये लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पे बटर यूज़ करूँगी। अगर आप बटर के शौकीन है तो आप बटर यूज़ कीजिए क्योंकि बटर से ये बहुत क्रिस्प हो जाता है। अगर आप बटर नहीं खाना चाहते तो आप इसको ऑलिव ऑयल या किसी भी चीज़ से, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ, अभी बाद में मैं इसको फोल्ड करूँगी ताकि ये सब तरफ से क्रिस्प हो जाए। जो लोग बटर या ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहते वो लोग सिंपल रोटी में बना सकते हैं। या आप इसको अगर नॉन स्टिक पे गैस पे ना बनाना चाहें तो आप इसको माइक्रोवेव या ओवन में भी बना सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी इस टाइप का बर्तन लीजिए और इस पे नीचे बेस पे थोड़ी सी सॉस स्प्रेड कर दीजिए और इस रोल को इसमें रख लीजिए। उसके बाद आप माइक्रोवेव या ओवन को 10 मिनट प्री हीट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको अबाउट 10 मिनट देख लीजिए। 10 मिनट में चीज़ मेल्ट हो जाएगा और ये अच्छा क्रिस्प हो जाएगा। इसमें बेस पे नीचे सॉस लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जल सकता है।
अब ये थोड़ा सा यहाँ से क्रिस्प हो गया है, तो अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। जब हम अमूल बटर में कोई चीज़ से क्रिस्प करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है। बस अभी से हम 2 मिनट क्रिस्प करेंगे और साथ में हमारा चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। तब तक मैं आपको एक रोटी में भी बना के दिखा देती हूँ। जो लोग पराठा खाना पसंद नहीं करते वो लोग सिंपल रोटी में भी बना सकते हैं। सिंपल रोटी के लिए भी जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं, सिंपल रोटी बनाइए और आप उसमें टमाटो केचप स्प्रेड कीजिए। इसके बाद वैसे ही सेम आप ये सेंटर में मिक्सचर स्प्रेड कीजिए। अगर आप चीज़ ना यूज़ करना चाहें तो आप इसमें पनीर ग्रेट करके लगा सकते हैं। अमूल का पनीर भी बहुत बढ़िया है, तो आप अमूल का पनीर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं तब तक इसको देखती हूँ। देखिए चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। मैंने गैस को कम किया हुआ है, कम गैस पे ये बहुत अच्छा क्रिस्प हो रहा है। आपको चीज़ मेल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस चीज स्लाइस को भी हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। इस वाले को हम हल्का सा ऑलिव ऑयल में कर लेते हैं। इसको हम ऑलिव ऑयल में कर लेते हैं क्योंकि कई लोग बटर भी अवॉइड करते हैं, तो वो ऑलिव ऑयल से इसको बना सकते हैं। नॉनस्टिक गरम होना चाहिए और गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखना है। तो चलिए ये वाला हमारा बन गया है, इसको हम उतार लेते हैं। तो अब हम एक की प्लेटिंग करते हैं, तब तक हमारा ये चपाती वाला भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्प हुआ है, चीज़ भी मेल्ट हो गया है। इसको भी चाहे तो आप पहले ऐसे खोल के रख सकते हैं ताकि ये चारों तरफ से क्रिस्प हो जाएगा। अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे। साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं। बस ये भी क्रिस्प होने वाला है। यहाँ पे मैंने प्लेटिंग के लिए 3 डॉट लगा ली हैं और मैंने टूथपिक ले ली है। टूथपिक से अब मैं इसको ऐसे कर दूंगी। आप चाहें तो जैसा कि मेरा सविता नागपाल मैजिक किचन है, तो हम इसको ऐसे करके हम इसको एस भी बना सकते हैं। तो लीजिए, होल व्हीट मैक्सिकन रैप तैयार है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा। बस अब तब तक हमारा ये जो हम रोटी में बना रहे हैं ये भी तैयार हो रहा है। बस 1 मिनट और लगेगा और ये क्रिस्प हो रहा है।
जैसे ही चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो समझिए ये तैयार हो गया है। तो चलिए इसको उतारते हैं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जो भी आंसर हैं वो मैं आपके देखती हूँ। इसकी प्लेटिंग हम दूसरे स्टाइल से कर लेते हैं। तो लीजिए, ये हमारा रोटी में तैयार है और ये हमारा पराठे में तैयार है। आप चाहे इसे रोटी में बनाइए, पराठे में बनाइए, चाहे आप इसको नॉनस्टिक पे बनाइए, चाहे आप ओवन में बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग बनाइए और मुझे इसको टैग कीजिए। अभी ये रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, अभी मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अमूल के पेज पे जो रेसिपी लेके आऊँ वो मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव लाऊँ। वैसे ये मेरे पेज पे रेसिपी है, लेकिन मैंने अभी इसको यूट्यूब पे नहीं डाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, कोई कमेंट्स जो हों। गाजियाबाद में सविता नागपाल मैजिक किचन के नाम से मेरी कुकिंग क्लासेस चलती हैं, पटेल नगर 3rd में। आपने क्या बनाया है? मैंने होल व्हीट फ्लोर मैक्सिकन रैप बनाया है। अभी मैं दोबारा, प्लीज़ बताओ जी फिलिंग क्या है, की स्टफिंग करिए। चलिए मैं एक बार पूरी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं पूरी रेसिपी रिपीट करती हूँ। मैंने बनाया है होल व्हीट मैक्सिकन रैप। इसके लिए मैंने सिंपल पराठा और एक रोटी दोनों बना के रखी थी। कुछ लोग पराठा पसंद नहीं करते हैं तो वो सिंपल रोटी में बना सकते हैं। और जब मैंने स्टफिंग बनाई है उसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल डाला, लहसुन डाला, उसे थोड़ा सा भूनना, फिर प्याज डाल के उसको भूनना है, फिर टमाटर डालने हैं। उसके बाद मैंने उसमें नमक और काली मिर्च डाला है, फिर मैंने उसमें टमाटो केचप डाली है। उसके बाद मैंने राजमा डाल के इसको थोड़ा सा भूना है ताकि सॉस जो है वो राजमा में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने रोटी और पराठे में, ये स्टफिंग है आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने पराठे में थोड़ी सी सॉस लगा के नॉन स्टिक पे, एक में मैंने बटर लगाया है, एक में मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है। उसमें मैंने ये मिक्स स्टफिंग भर के मैंने ये चीज़ स्लाइस रख के इसको फोल्ड करके इसको मैंने नॉनस्टिक पे रखा है, रख के बनाया है। और इसे मैंने रोटी में बनाया है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पराठा नहीं खाते, तो वो आप इसको रोटी में खा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि जो लोग बिल्कुल भी घी या ऑयल नहीं खाना चाहते वो इसको माइक्रोवेव या ओवन में बना सकते हैं। माइक्रोवेव में कन्फेक्शन मोड पर हम ऐसा मोल्ड एल्यूमिनियम वाला यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके बेस पर थोड़ी सी टमाटो केचप लीजिए और उसके बाद इस रोल को ऐसे 180 डिग्री पे प्री हीट ओवन में 10 मिनट के अबाउट आप इसको बेक कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा बनता है माइक्रोवेव और ओवन में भी। तो हमारी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अगेन अमूल फॉर गिविंग मी चांस। ये सारे अमूल के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास घर में होते हैं तो हमें कोई भी रेसिपी बनाने में मुश्किल नहीं होती। मुझे लगता है सभी लोग अमूल के इन प्रोडक्ट्स को डेली में यूज़ करते होंगे। एक ना एक रेसिपी तो हम इनसे ज़रूर बनाते हैं। अगर मैं पूरा साल भी लाइव आऊँ और आऊँ तो भी इतनी रेसिपी है, साल भर भी कम पड़ जाएगा। तो आप मेरी और रेसिपीज़ को सविता नागपाल्स मैजिक किचन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू अमूल, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।